मसीह की आमेन। हालेलुया। आज की शुभ दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आमेन। हमारे हृदय जैसे हमने सुना परमेश्वर पर भरोसा रखे हुए, हालेलुया, जैसे भजनकार गाते हैं, उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक यहोवा का नाम स्तुति के योग्य है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम वो नाम को भजे। हालेलुया, ओ हालेलुया, भजो नाम। हालेलुया, भजो नाम, जपो नाम, प्यारा नाम यीशु नाम। चाहे सुबह हो या शाम, चाहे सुबह हो या शाम, यीशु नाम रे सब भक्ति करो मिल गाओ, यीशु नाम रे सब भक्ति करो मिल गाओ, यीशु नाम रे। भजो नाम, भजो नाम, जपो नाम, प्यारा नाम यीशु नाम। चाहे सुबह हो या शाम, चाहे सुबह हो या शाम, यीशु नाम रे सब भक्ति करो मिल गाओ, यीशु नाम रे सब भक्ति करो मिल गाओ, यीशु नाम रे। भक्त बिना भक्ति अधूरी, क्रिस्त शरण तुझे आना है। छोड़ दे अपनी शक्ति बल, क्रिस्त में मोह लगाना। शिष पाना है, जय जयकार करो मिल सारे धन्य मनाना है। भजो नाम, जपो नाम, प्यारा नाम यीशु नाम। चाहे सुबह हो या शाम, चाहे सुबह हो या शाम, यीशु नाम रे सब भक्ति करो मिल गाओ, यीशु नाम रे सब भक्ति करो मिल गाओ, यीशु नाम रे। पाप की राह को छोड़ना है, स्वर्ग की मंजिल पाना है। इस दुनिया में चैन नहीं, स्वर्ग पिता को जानना है। पाप की राह को छोड़ना है, शांति मुक्ति का मार्ग वही है, उसमें मोह लगाना है। सच्चा साथी प्रभु हमारा, उसे अपनाना है। भजो नाम, जपो नाम, नाम यीशु नाम। चाहे सुबह हो या शाम, चाहे सुबह हो या शाम, नाम रे सब भक्ति करो मिल गाओ, यीशु नाम रे सब भक्ति करो मिल गाओ, यीशु नाम रे। भक्त बिना भक्ति अधूरी, क्रिस्त शरण तुझे आना है। छोड़ दे अपनी शक्ति बल, क्रिस्त में मोह लगाना है। भक्त बिना भक्ति अधूरी, क्रिस्त शरण तुझे आना है। छोड़ दे अपनी शक्ति बल, क्रिस्त में मोह लगाना है। जीवन अर्पण कर दो प्रभु में, प्रभु की आशीष पाना है। भजो नाम, जपो नाम, प्यारा नाम यीशु नाम। चाहे सुबह हो या शाम, चाहे सुबह
हालेलुया, आपके सामने जीवन अर्पण करते हुए हालेलुया, हम आपके शरण में आए हैं प्रभु। हालेलुया, ओ हालेलुया, भक्त बिना भक्ति अधूरी। हालेलुया, ओ प्रभु हमारे जीवनों को चाहते हैं। हालेलुया, ओ धन्यवाद प्रभु। हालेलुया, हम भजन में पढ़ते हैं, वो कंगाल को मिट्टी पर से और दरिद्र को खुरे पर से उठाकर ऊंचा करता है। हालेलुया, कि उसको प्रधानों के संग और अपनी प्रजा के प्रधानों के संग बैठाए। हालेलुया, ओ हालेलुया, ओ हमारी जीवन की अवस्थाओं को बदलने वाला परमेश्वर वो है। हालेलुया, हमारी देश की हालेलुया अवस्थाओं को बदलने वाला परमेश्वर वो है। हालेलुया, वो हमारी आशा है, यीशु जैसा कोई नहीं। आइए तालियों के साथ हालेलुया हम प्रभु की स्तुति करें। Shut up.
हो सकती है, क्या एक जाति क्षण मात्र में ही उत्पन्न हो सकती है? हालेलुया, ऐसे बात किसी ने कभी सुनी? किसी ने कभी ऐसे बातें देखी? हालेलुया, क्या देश एक ही दिन में उत्पन्न हो सकती है? हालेलुया, ओ हालेलुया, आज हमारे देश हालेलुया गणतंत्र दिवस मनाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, कई चीजें ठीक नहीं हमें पता है, हालेलुया, लेकिन हालेलुया हमारी प्रभु जैसे कोई नहीं, हालेलुया जो सामर्थ्य है, हालेलुया एक दिन में हालेलुया वो एक राष्ट्र को उत्पन्न कर दिया, हालेलुया ओ इतिहास में हम देखते हैं, हालेलुया उनकी वायदा पूरा है, हालेलुया वो देशों के प्रति जलन रखने वाला परमेश्वर है, हालेलुया आज हम उनकी प्रजा, हालेलुया उनके ऊपर देखते हैं तो हालेलुया परमेश्वर हमारी हालतों को बदलेगा, हालेलुया हालेलुया, आइए हम विश्वास के साथ हालेलुया हमारे देश को हालेलुया हमारी प्रभु के सम्मुख लाते हैं, हालेलुया वो स्वर्गीय पिता है, हालेलुया अनंत काल की परमेश्वर है, हालेलुया दया करने वाला तरस खाने वाला परमेश्वर है, हालेलुया ओ आराधना प्रभु, हालेलुया स्वर्ग पिता तेरे नाम की स्तुति हो, आराधना
हालेलुया। आज जैसे आज हमने सुना, आज हमारा क्या है, गणतंत्र दिवस है, 26 जनवरी। आप सबको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हालेलुया। मैं आपके सामने भारत का संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना को पढ़ना चाहती हूँ, आप ध्यान से सुने। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एदत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मा पारित करते हैं। आमीन। ये हमारे भारत का प्रस्तावना है, उद्देशिका, जो उसकी रूपरेखा बनाई गई थी वो 26 नवंबर 1949 को, और इसे स्वतंत्रता और इसे गणतंत्र दिवस भी कहते हैं, जिस दिन ये 26 नवंबर 1949 को मनाएंगे। और ये हमारे देश में ये लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, आज 70 साल होने जा रहे हैं हमारे भारत के गणतंत्र दिवस को। हालेलुया। आप सभी को एक बार फिर से बधाई। और इसके निमित्त हमारा बाइबल क्या कहता है, हमें अपने देश के प्रति, हमारी बाइबल क्या कहती है, हम कुछ वचनों को देखेंगे। रोमियो 13 का 1